हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। बिफोर गिविंग यू द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, ऐसे मैनेजर आपको नहीं लगता कि मेरे एम्प्लॉयज का जो परफॉर्मेंस है बेस्ट होना चाहिए? विल से यस सर, व्हाई नॉट। नाउ समटाइम व्हाट हैपन, जो परफॉर्मेंस एम्प्लॉय देता है वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से नहीं दे पाता है। ओके, जिसमें जितना उसमें पोटेंशियल है, ही इज नॉट एबल टू वर्क अकॉर्डिंग टू हिज पोटेंशियल। नाउ लेट्स सी व्हाट इज परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। सो इट इज वेरी सिंपल थिंग, इट इज अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग। फर्स्ट इज परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज, तो यू आर एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज, करंट आज अभी वो कैसा काम कर रहा है। Identifying gaps and last is setting a system to ensure good performance. So what is performance improvement? Is a combination of all these three things. So how you will analyze the performance of particular employee? So first have to you have to ensure कि भैया ये अभी आज की तारीख में कैसे काम कर रहा है। Okay, then you have to do some study and come up with a gap. Gap मतलब क्या होता है, ये कहाँ तक जा सकता है और इसके काम में क्या चीज मिसिंग है, कहाँ वो स्लो डाउन हो जाता है। ओके, और इसके कारण क्या है स्लो डाउन होने का, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन यू इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन कि इसको हमको इस बंदे की प्रोडक्टिविटी हमको एनहांस करना है, तो उसका सोल्यूशन क्या है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट में खाली ये नहीं है कि आपको बंदे को बताना भैया तुम यहाँ पे काम बराबर नहीं कर पा रहे, ये तुम्हारा वीक पॉइंट है। यू आर लाइक अ कोच, जो क्रिकेटर का कोच होता है कि आइडेंटिफाई द वीक पॉइंट ऑफ द बैट्समैन और बॉलर एट द केस माइट बी, और वहां पे फिर वो सोल्यूशन भी देता है। तो सेम ईयर यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, करंट परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, देन यू विल कम टू नो उसमें गैप क्या है, एंड फिर आपको उसको सोल्यूशन देना है, उसके ऐसा माहौल तैयार करना है कि आपका एम्प्लॉय जो है बेस्ट आउटपुट दे अंडर द गिवन सर्कमस्टेंसेस। क्लियर? Now it tries to identify the root cause of performance problem. Performance जो नहीं दे रहा उसका root cause क्या, उसकी जड़ क्या है, क्या वजह है कि हमारा बंदा performance नहीं दे पा रहा है, and address it by suggesting and implementing solution. This is the formal definition of performance improvement. This is how we can improve the performance. Now valid question is factors that affect the performance. क्या क्या factor है जो performance को affect कर सकते हैं employees के। So factor can be internal and external. Environment सही नहीं, जहाँ वो काम कर रहा है वहाँ का माहौल सही नहीं, environment सही मतलब the machines which he is using is outdated. Okay, machine का maintenance अच्छा नहीं है, उसका performance अच्छा नहीं आ पा रहा है, output अच्छा नहीं दे पा रहा है, physical environment अच्छा नहीं है। Okay, simple thing like आपके shop floor पे ventilation अच्छा नहीं है, वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, जिससे क्या हो रही है कि जो माहौल है वहाँ पे गैस कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, सो इज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। व्हेन यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली ऑक्सीजन बॉडी में नहीं जाएगी, व्हेन देर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन सो यू विल फील फटीग वेरी फास्ट, ये इट्स अ नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ओके, थर्ड लैक स्किल्स, हो सकता है उसमें स्किल ना हो ये पर्टिकुलर टास्क करने की। ओके, देन लैक मोटिवेशन, उसके बाद मोटिवेशन ही नहीं काम करने का, दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क। बाकी जो टास्क ऊपर बताया आपको, बाकी जो परफॉर्मेंस अफेक्ट करने वाले वो है रीजन्स है, इट इज ईजी टू हैंडल, बट लैक्स मोटिवेशन, इट रिक्वायर काउंसलिंग एंड सम ट्रेनिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन मैनेजिंग द मोटिवेशन। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग दैट माइट अफेक्ट द परफॉर्मेंस इज एम्प्लॉय को पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है, मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स which can affect our performance. There can be many other reason also. Here I have highlighted a few 5-6 points to make it easier to so that you can understand in a simple language. Now next topic is continuing with this topic only, performance improvement, is performance improvement process framework. So it's a very detailed topic, so I require your attention. So what it's a series of steps which one needs to take for PI process, that is performance improvement. So first of all, you have to, before starting any PI exercise, that is performance improvement exercise,
if you have been appointed an external consultant, or if you are an employee also, HR manager also, so what you have to do, you have to understand the organization as a whole. Ki organization hai kya? What are the mission, goal, vision of the organization? Okay, who are the stakeholder? What is the current culture of the organization? यहाँ का कल्चर कैसा है? तो sometimes culture might be reason for the below par performance. Okay, there may might not be good inter department relationship. उससे भी performance का effect होता है. So I'll go into that thing in detail. So consider institutional context में क्या आएगा? I'm repeating it again. Consider institutional context में आप क्या पढ़ेंगे? Analyze करेंगे. Goal of the organization, mission, vision, culture of the organization. Okay, in short, we'll study about our organization as a whole before we move to PI. तो आपने organization के बारे में पता कर लिया, उसके बारे में detail analysis कर लिया, यहाँ पे क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या चल सकता है, क्या नहीं चल सकता है, आपने यहाँ की hierarchy समझ ली, understand कर ली, then only if you will try to give solution to the problem, it will be very helpful. नहीं तो आप हवा में तीर चलाएंगे. Next is stakeholder agreement. Now all the stakeholders should be involved in this process. PI अगर आपको करना है तो सारे stakeholder, whether it's a management, manager and say bottom level employees, labors जो भी है, shop floor employees, उनका सबका agreement होना चाहिए. उनको नहीं लगना चाहिए कि भाई ये बंदा कौन आ गया है और हमारे performance को analyze करेगा कि हमारा job खतरे में हो जाएगा. Okay, that insecurity should not come into the picture. Please note it. And it's a very vital process. अगर ये process आपने बराबर नहीं किया, तो आगे जो भी करेंगे उसका कुछ effect नहीं रहेगा. Please note that. Okay. So dialogue is very important. It's create a collaborative working relationship that will continue for the life of the project. तो जब भी आप collaboration में काम करते हैं, instead of imposing your views, तो आप क्या कह सकते हैं confidence लेने के लिए कि हम लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस एनालाइज करना चाहते हैं आप लोगों का, और अगर कुछ गैप होगी तो उसको हम आइडेंटिफाई करके इम्प्रूव करना चाहेंगे. दैट इज वन वे ऑफ थिंग. देन यू कैन इन्वॉल्व, एक स्मॉल मीटिंग आप रख सकते हैं कि आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या लैक करता है. तो दे विल गिव यू सम आंसर कि सर यहाँ पे ये कमी. देन यू कैन आस्क द टारगेट ऑडियंस कि आप में क्या कमी है आपको लगता है. So he will give his own view also. So in this way, what is happening? You are trying to create a positive atmosphere. Okay? Yaad rakho, koi bhi apna audit nahi karwana chahta hai, wo dar jata hai. Okay? So yahan pe aap kya kar rahe hai? You are not going as a auditor, banduk leke, bhaiya, tumhara performance achha nahi hai, tumko goli se maar denge, matlab fire from the job kar denge. Aisa nahi hai, please note it. In this case, what we are trying to do in stakeholder agreement, we are trying to involve all the stakeholder of the organization, especially the target audience. नेक्स्ट इज डिफाइंड डिजायर परफॉर्मेंस. मतलब क्या है, आपको परफॉर्मेंस कैसा चाहिए उसको एक लिखित रूप में रखना पड़ेगा. लिखित तो मतलब इन रिटर्न यू शुड राइट कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एचआर मैनेजर, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम शॉप फ्लोर मैनेजर, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन मैनेजर, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम पर्टिकुलर ब्लू कॉलर वर्कर हु इज हैंडलिंग सम मशीन. उसको पता ही नहीं है कि उसको उससे क्या एक्सपेक्टेशन है, तो आउटकम पे असर हो जाएगा. सो सम टारगेट शुड बी मेड और ये रिटर्न फॉर्मेट में होना चाहिए, हवा में बात नहीं होना चाहिए. तो दे शुड नो कि आज मुझे इतना प्रोडक्शन करना है, आज मुझे क्या काम करना है, आज का मेरा टास्क कितना है, कितना शॉर्टफॉल हो गया, उसको कैसे मैं वो जो गैप को कैसे मैं कवर करूंगा. ठीक है. सो यहाँ पे क्या होता है, यू आर इन्वॉल्विंग द ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑल्सो फॉर दिस टू डिफाइन द डिजायर परफॉर्मेंस कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, उसकी टाइमलाइन होना चाहिए. And the group then sets initial and final target levels of performance. तो अपना performance का एक target बना के रख देंगे. Then describe actual performance. When desired performance is described to everyone's satisfaction, current level of performance are assessed using the same indicator developed to describe desired performance. तो हमने अभी क्या किया कि future में हमें आपसे ये expectation है, आप अगले महीने ये करने वाले, आपको आपसे ये उम्मीद है. Now अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, आज की तारीख में आपका क्या परफॉर्मेंस है, और अगले एक महीने बाद हमें आपसे क्या उम्मीद है, या नेक्स्ट ईयर हमें आपसे क्या उम्मीद है. तो ये गैप को उनको बताना पड़ेगा आपको. व्हाट इज द करंट सिचुएशन एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, आपसे क्या उम्मीद है, और अभी आप क्या कर रहे हैं. सो दैट इज डिस्क्राइब एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है अभी, और हम मैनेजमेंट के
डिजायर परफॉर्मेंस क्या होने वाली है, आपसे क्या उम्मीद है और अभी आप कितने उम्मीद पे खरे उतर रहे हैं, ये दोनों बात आपको बताना पड़ेगा। सो उससे क्या होगा, तो आपको गैप पता चल जाएगा। वंस द डिजायर्ड एंड एक्चुअल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हैव बीन आइडेंटिफाइड आइडेंटिफाइंग द परफॉर्मेंस गेम बिकेम अ सिंपल मैटर ऑफ कंपेयर टू लेवल्स। तो आपको जब पता चल जाएगा कि भाई मुझसे ये उम्मीद है, ओके, कि फॉर एग्जांपल इन सिंपल लैंग्वेज कि माय फादर वाज एक्सपेक्टिंग 80% फ्रॉम मी एंड आई स्कोर 60%, सो एक्चुअल परफॉर्मेंस की जो उम्मीद की गई थी 80% की थी और आया कितना 60%, तो गैप कितना हो गया 20%। द सेम थिंग कैन बी अप्लाई टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑल्सो और एनी अदर डिपार्टमेंट ऑल्सो, ओके, कि डिस्क्राइब परफॉर्मेंस गैप, कि गैप जो आया है 20% का क्यों आया, व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू इट। देन फाइंड रूट कॉज ऑफ द गैप, ये गैप का रूट कॉज क्यों है भैया, ये 20% जो कम आया, ये जो टारगेट था, हम टारगेट से डिविएट क्यों हुए इन नेगेटिव डायरेक्शन, ओके, 5-10% इज टॉलरेबल लिमिट, डिविएशन इज अलाउड, बट इट इज 20%, 30%, 40%, 50%, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग इन अवर सिस्टम। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज। रूट कॉज क्या होता है, वजह क्या है। फॉर एग्जाम्पल सर में दर्द है, तो क्या वजह हो सकती है, there can be n number of reasons, so one reason can be change in the number of change in the specs specification, dusra reason ho sakta hai allergy, tisra reason ho sakta hai cough and cold, so there can be n number of reason, so doctor jo diagnose karega root cause ki bhaiya aapko cough and cold ka problem nahi, you go to ophthalmologist, wahan pe apna aap aankh dikhaiye, mujhe lagta hai chashme se hi problem aapka solve ho jayega, then person will go to that ophthalmologist, चश्मे का नंबर जो 19, 20, 18 जो भी हुआ होगा 5, 6, 4, 5 वो आइडेंटिफाई कर लिया तो और सर का दर्द चला जाता है। नाउ व्हाट इज हैपन हियर, ये द रूट कॉज ऑफ एनालाइज कि ये हेडेक का प्रॉब्लम क्यों आया, ओके, सो प्रॉब्लम का जो सिम्टम्स है उसका रूट कॉज आपको फाइंड करना बहुत जरूरी है। अगर बिना रूट कॉज के आप इलाज कर दोगे तो इलाज नहीं होने वाला है, प्लीज नोट दैट। देन सेलेक्ट एंड डिजाइन इंटरवेंशंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि यहाँ पे जो गैप आ रहा है उसको हम कैसे एड्रेस किया जाए, उसका सोल्यूशन क्या है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो दैट इज नॉन सेलेक्ट एंड डिजाइन द इंटरवेंशन, कि कौन सा इंटरवेंशन बेस्ट होगा, कौन सा इलाज अच्छा रहेगा, कौन सा सोल्यूशन जो हम लें, कौन सा रास्ता जो है वो हमारा जो गैप जो हो गया है डिजायर एंड एक्सपेक्टेड उसको कम करता जाएगा। देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट इंटरवेंशन, इट इज लाइक आप दवा खाना स्टार्ट कर दीजिए, दैट इज इम्प्लीमेंट द इंटरवेंशन। देन अभी दवा खाना स्टार्ट कर दिया, देन आफ्टर 1-2 months यू हैव टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑल्सो, कि हाँ भाई आई एम फीलिंग गुड, सेम थिंग ऑर्गेनाइजेशन विल फील ओके, एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डे बाई डे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर मॉनिटरिंग द दिस न्यू चेंजेस विच यू हैव ब्रॉट, ओके, एंड यू आर इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑल्सो एज पर द न्यू एक्सपेक्टेशन, ओके, सो इन दिस वे यू कैन डू परफॉर्मेंस PI, दैट इज परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। Thank you.